हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैं भारतीय इतिहास के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं यहां पे इकट्ठे किया हूं जो कि 2003 से अब तक के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह इसका पार्ट वन होगा। फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके मैं इसके सारे पार्ट्स को अपलोड कर दूंगा। इसमें टोटल अभी प्रश्न 25 होंगे, तो ये चीज़ आप देख के मत सोचिएगा कि 25 ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो कि बहुत कम लग रहा है देखने से यहां पे। बट अगर मैं ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करूंगा फ्रेंड्स इस वीडियो में, तो अगर आप उसे भी काउंट करेंगे तो मोर देन 70 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। ओके, तो ये चीज़ आप मत सोचिएगा कि 25 ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा तो फिर वीडियो लंबा बन जाएगा फ्रेंड्स, और ऐसा मुझे नहीं करना है। बस केवल आंसर मुझे नहीं बताना है, क्योंकि वैसे मुझे भी नहीं अच्छा लगता है और आप लोगों को भी पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से सो मैं ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करूँगा जितना हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतकांगेडोर। तो सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पाकालीन स्थल था वो था हड़प्पा, ओके, जो कि 1921 ईस्वी में खोजा गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में और यह है सो पाकिस्तान के मॉन्टगोमरी जिला में स्थित है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि यह सो रावी नदी के तट पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का बात करें तो मोहनजोदड़ो है सो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज किया गया था 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में, ओके, और यह सो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। लोथल बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, यानी कि यह बंदरगाह था फ्रेंड्स। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका जो खोज किया गया था, नेतृत्व जो कर रहे थे वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था और 1955 एवं 1962 में किया गया था। यह गुजरात में है, ओके। सुतकांगेडोर यहाँ पे है, यह भी इम्पोर्टेंट है। यह दास्क नदी के तट पर है पाकिस्तान में और इसका खोज किया गया ऑरेंज स्टाइल तथा जॉर्ज डेल्स के नेतृत्व में 1927 एवं 1962 में हुआ था। और यह सो पाकिस्तान के, देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका यह सो सबसे पश्चिमी भाग है सुतकांगेडोर, तो ये इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग सुतकांगेडोर ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन करना है। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा है सो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया, तो वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था फ्रेंड्स, और यह विजय 1572 ईस्वी में हुआ था। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी का या जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण करवाया गया था, ओके, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? वहाँ पे बुलंद दरवाजा का बात आ रहा था बट यहाँ पे है कि फतेहपुर सिकरी, ओके, तो फतेहपुर सिकरी का भी स्थापना है सो अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। इसे है सो 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। और फतेहपुर सिकरी का जो मतलब होता है वो होता है विजयनगरी। यह आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष में हुआ था? सारे इंपॉर्टेंट है और ये मैं जैसा कि आपको बता दिया हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2-3 बार ऐसे रिपीट हो चुके हैं, 2 से 3 बार, और ये सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स 1857 ईस्वी में, और इसे सो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, भारत की ये 1857 की क्रांति को, जिसका स्टार्ट जो हुआ था यह क्रांति वो हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ओके। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन था गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय, तो लॉर्ड कैनिंग था। और अभी उस समय जो है सो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन था, तो आप याद रख सकते हैं दोनों, लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन था। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, खान अब्दुल गफार खान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रंटियर गांधी, जिसे सीमांत गांधी भी बोला जाता है, वो बोला गया है फ्रेंड्स खान अब्दुल गफार खान को, ओके।
और यहाँ पे देखिए यह सो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये पाकिस्तानी थे, और यह पहले मतलब कि ऐसे विदेशी नागरिक थे जिन्हें सो भारत रत्न प्रदान किया गया। तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी सवाल पूछा जा चुका है कब मिला था इनको भारत रत्न। तो 1987 ईस्वी में सो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए यहाँ पे जैसे दादा भाई नौरोजी हैं तो इनको है सो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? 1937, 1938, 1939, 1940। तो सुभाष चंद्र बोस हैं ये है सो इस्तीफा जो दिए थे ये दिए थे 1939 में, क्योंकि मतलब महात्मा गांधी के साथ कुछ मतभेद हो गया था, इस वजह से इन्होंने सो इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। यह लगातार मतलब कि दूसरी बार है सो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, बट जैसा कि मैं बताया महात्मा गांधी के कुछ अनुयायी थे और उनके साथ मतलब मतभेद हो जाने की वजह से 1939 में ये इस्तीफा दे दिए। और फिर है सो इस्तीफा देने के बाद है सो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। और कब किया था तो ये 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, तो आपको तीनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा हुमायूं का है, बाबर नामा बाबर, आईने अकबरी, अबुल फजल, तुजुके, जहांगीर। देखिए सारे ये जो सारे हैं ये सारे बुक का नाम है, पुस्तकें हैं, तो ये मतलब कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो रॉन्ग है फ्रेंड्स वो है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के जो लेखक हैं राइटर हैं वो हैं गुलबदन बेगम, यानी बाबर की बेटी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। ओके, और बाबर नामा जो है फ्रेंड्स ये बाबर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है बाबर नामा। और फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है कि यह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि बाबर नामा तुर्की किस भाषा में लिखा हुआ है, तो तुर्की भाषा में। और यहाँ पे देखिए आईने अकबरी है या अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, और अबुल फजल के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। ओके, और आगे देखिए जो तुजू के जहांगीरी है यह सो जहांगीर के द्वारा लिखा गया है, और यह सो आत्मकथा है जहांगीर का, ये खुद इन्होंने जहांगीर नहीं लिखा है। ओके, तो चलिए हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ये है फ्रेंड्स से बाबरनामा उसका सो फारसी में अनुवाद अकबर ने है सो अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया था, तो ये भी सवाल पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी हम लोग। शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? 58 ईसा पूर्व, 58 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी में। तो देखिए शक संवत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भारत का मतलब कि राष्ट्रीय संवत है। तो यह सो फ्रेंड्स 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, कनिष्क के द्वारा किया गया था, शक संवत चलाया गया था। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जैसा कि मैं बताया कि यह सो भारत शक संवत जो है यह भारत का राष्ट्रीय संवत है जिसे भारतीय संविधान ने 22 मार्च, ओके तो ये भी आप याद रखिएगा 22 मार्च, यहाँ पे 22 मार्च, 22 मार्च 1957 को ऐसो अपनाया था, एक्सेप्ट किया था भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में। ऐसो 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया था, यह 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, और इसका जो प्रथम महीना होता है वो होता है चैत्र। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? डचों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगीज द्वारा, फ्रेंच द्वारा। तो भारत तक समुद्री मार्ग का सर्वप्रथम खोज किया गया था वो करने वाले थे पुर्तगीज द्वारा किया गया था, और पुर्तगाल जो फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट टाइम समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला कौन था, तो वो था फ्रेंड्स वास्को डिगामा द्वारा किया गया था, यानी वास्को डिगामा खोजा था। और कब पहुंचा था? तो 1498 में। कहाँ पे? तो कालीकट में। तो आपको ये तीनों याद रखने, 1498 में वास्को डिगामा आया था, कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट में पहुंचा था, केरल के मतलब कि तट पे है, ठीक है, कालीकट है, वहीं पे पहुंचा था। और एक चीज़ और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वास्को डिगामा था वो कहाँ के रहने वाला था, तो फ्रेंड्स वो पुर्तगाल का रहने वाला था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब अलग अलग जगह, लेकिन वो पुर्तगीज थे यानी पुर्तगाल के रहने वाले थे वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि सवाई राजा जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो वो कहाँ पे नहीं करवाए थे? तो ये चीज़ तो आपको याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पहले करवाए थे। तो
कितने करवाए थे, ये चीज़ अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो देखिए जी, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है कोलकाता में नहीं करवाए थे, तो इसका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। जंतर जो जंतर मंतर का है सो निर्माण है सो सवाई जैसी है सो पांच स्थानों पर करवाया था, कहाँ कहाँ, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और एक और जो था फ्रेंड्स वो था वाराणसी में। सर्वप्रथम जो करवाया गया था वो करवाया गया था 1724 ईस्वी में दिल्ली में करवाया गया था। ओके, मतलब जंतर मंतर नाम से मतलब ये वैधशाला था, ऑब्जर्वेटरी था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आप इन पांचों को याद रख सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु का, ब्रह्मा, इंद्र, पशुपति, किनकी पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो फ्रेंड्स जो पूजा करते थे उन लोग, तो उन लोग करते थे पशुपति का पूजा किया करते थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब मोहनजोदड़ो से मुहर वगैरह प्राप्त हुए हैं जिससे मतलब कि पशुपति का वहाँ पे चित्र उसमें मिला है, तो पशुपति का मतलब कि उन लोग पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी, द्रविड़ियन, हड़प्पा, सॉरी ये हड़प्पा नहीं होगा, ऑप्शन कुछ और होगा, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था फ्रेंड्स वो था मतलब अभी तक कुछ उसका पहचान नहीं हो पाया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये सो मतलब कि उन लोग का जो लिपि था वो मतलब चित्रात्मक लिपि था, कुछ चित्र छपे हुए होते थे, तो अभी तक मतलब पहचान नहीं हो पाया है कि उनकी लिपि कैसी थी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे कुतुब मीनार का कार्य जो निर्माण कार्य है सो समाप्त करने का माने मतलब पूरा करने का बात किया जा रहा है, तो वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। और अगर बात करें कि कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया था, तो वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। ओके, तो यहाँ पे इल्तुतमिश है सो निर्माण कार्य पूरा किया था, और इसकी जो ऊंचाई है कुतुब मीनार की वो है 200, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 238 फीट। ओके, 238 फीट इसकी मतलब ऊंचाई है, यानी मीटर में बात करें तो 72.5 मीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी रेलवे के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, 238 फीट है और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया मतलब पूरा करवाया गया, और यह सो निर्माण कौन करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? हुमायूं, अकबर, दारासी को, शाहजहां। तो देखिए जो फैजी था यह अकबर के दरबार में मतलब कि था, यह अकबर के नवरत्न में यह फैजी भी शामिल था फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखिएगा। ओके, हाँ चलिए, अब मतलब यह अकबर का दरबारी कवि भी था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जितना जल्दी हो सके मैं करूं क्योंकि समय बहुत टाइम टेकन हो रहा है। देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, रामतनु पांडे, महेश दास, नाना साहब। तो तात्या टोपे जो थे फ्रेंड्स उनका जो नाम था मतलब कि वास्तविक नाम मूल नाम वो था रामचंद्र पांडुरंग। ओके, यस, वो देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि ये रामतनु पांडे, तो रामतनु पांडे सो तानसेन का असली नाम था, और महेश दास जो है वो बिरबल का बचपन का नाम था। और यहाँ जैसे नाना साहब, तो नाना साहब जो थे ये मतलब कि कानपुर से जब 1857 की क्रांति हुआ था तो कानपुर से इन्होंने है सो मतलब ये मतलब वहाँ से सो नेतृत्व किए थे, कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ही किए थे। और रामचंद्र पांडुरंग यानी कि तात्या टोपे यह सो नाना साहब की तरफ से लड़ने की मतलब कि मुख्य जिम्मेदारी है सो इनको मिला था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया फ्रेंड्स वो किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो कब किया गया? 1897 ईस्वी को किया गया था, 1897 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय जो मतलब कि जैसे जो जो महत्वपूर्ण है स्थापना जो की है मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में। एक चीज़ आपको याद और रखना है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ज्योतिबा फूले, तो फ्रेंड्स यह सो ज्योतिबा फूले जो हैं 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती जो किए थे मतलब जो इम्पोर्टेंट वो है वो मतलब ये है कि आर्य समाज का इन्होंने स्थापना किया था, कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में। तो जितने भी मैं बताया वो आप चारों को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अकबर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स अल बरूनी जो था वो ऐसा महमूद गजनवी यानी कि ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, तो उन्हीं का मतलब कि यह इतिहासकार था। और बता दूं कि मतलब यहाँ यह सो इसे मतलब यह संस्कृत का बहुत ही इसे अच्छा ज्ञान था, संस्कृत का बहुत अच्छा मतलब इसे ज्ञान था फ्रेंड्स। और यहाँ रहते हुए यह सो मतलब उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र एवं रसायन शास्त्र आदि विषयों पर विस्तृत अध्ययन किया इन्होंने। कौन? तो अल बरूनी ने। और इनके द्वारा जो मतलब एक लिखी गई पुस्तक है तहकीकात ए हिंद, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है तहकीकात ए हिंद किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? कुमार गुप्त ने, देवपाल ने, महिपाल ने, धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया फ्रेंड्स वो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ओके, यहाँ पे देखिए कुमार गुप्त ने जो स्थापना किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। और 1100, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला मतलब कि कौन था, कौन ध्वस्त किया था? तो फ्रेंड्स वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेनानायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। तो इन्होंने सो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया, जला दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैं इतना ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इतिहास में अब सबको मतलब आपके सामने प्रस्तुत करना उतना पॉसिबल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी को मैं मतलब आप तक पहुँचाऊँगा, और एक बार में भी वो बनाना पॉसिबल नहीं है। केवल आंसर नहीं है बताना, मुझे डिस्क्राइब भी करना है इस वजह से। ओके, तो थोड़ा थोड़ा लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 19, जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो देखिए जहांगीरी महल जो है फ्रेंड्स वो स्थित है आगरा के किला में स्थित है। और अकबर ने इस इमारत का निर्माण है सो अपने पुत्र शहजादा सलीम, जिसका नाम क्या है, जहांगीर। पहले ऐसो सलीम जहांगीर का ही नाम था सलीम, तो शहजादा जो यानी कि सलीम के नाम पर ही है सो मतलब उसके सलीम के रहने के लिए है सो यह जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तो आगरा के किले में। कौन करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली। तो देखिए ये लॉर्ड जो वेलेजली है फ्रेंड्स ये है सो अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। क्वेश्चन नंबर 21, करो या मरो का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो करो या मरो का जो नारा दिया था फ्रेंड्स वो दिए थे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो यह सो भारत छोड़ो के दौरान दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1942 में। और इसी दौरान है सो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और देखिए जवाहरलाल नेहरू का जो इम्पोर्टेंट है मतलब नारा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है कि आराम हराम है। इन्होंने बोला था आराम हराम है। लोकमान्य तिलक का अगर बात करें तो जो इनका एग्जाम में पूछा गया है वो है कि इनके द्वारा जो दिया गया नारा था वो था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अब यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने जो बोले थे फ्रेंड्स जो एग्जाम में पूछा गया है वो ये है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। तो ये है सो जो भी मैं बताया तीनों, और ये करो मरो तो बता ही दिया, तो इसके अलावा तीनों बताया हूँ ये सारे तीनों एग्जाम में रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, चांद बीबी, अहिल्याबाई होलकर। तो फ्रेंड्स ये माहेश्वर जो है यह सो मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर का मतलब कि राजधानी था। माहेश्वर रानी की इंदौर, ओके, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो ये अहिल्याबाई होलकर का राजधानी था। और चलिए तो ये मतलब ये क्या चीज़, अहिल्याबाई होलकर जो है यह सो मालवा की रानी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अहिल्याबाई होलकर कहाँ की रानी थी, तो ये थी मालवा की रानी थी। क्वेश्चन नंबर 23, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? काकतीय की, यादवों की, पांड्यों की, होयसलों की। तो फ्रेंड्स द्वार समुद्र जो थी राजधानी वो थी होयसलों की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
और यहाँ पे बात करें काकतीय की, तो काकतीय की राजधानी थी वारंगल, यादवों की राजधानी थी देवगिरी, और ये पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदुरे यानी कि मदुरा। क्वेश्चन नंबर 24, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए? चोल के शासनकाल में, पल्लव के शासनकाल में, चंदेल कुषाण के शासनकाल में। तो खजुराहो का जो मंदिर है यह बनवाया गया था फ्रेंड्स चंदेल के शासनकाल में, चंदेल राजाओं के काल में, 10वीं से 12वीं सदी के बीच में बनवाया गया था यह खजुराहो का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है ये कि हाँ क्वेश्चन नंबर ये है 25, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अलेक्जेंडर जिसे यानी कि सिकंदर जो था, सिकंदर महान, तो यह भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। कहाँ पे किया था? तो देखिए एक यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि मतलब हैडे स्पीच के युद्ध या वितस्ता का युद्ध है सो किसके द्वारा लड़ा गया था, कहाँ लड़ा गया था, ये पूछा जाता है। तो सिकंदर के द्वारा है सो लड़ा गया था पंजाब के शासक पोरस के द्वारा। ओके, और कहाँ पे? तो झेलम नदी के तट पर। इसे है सो मतलब कि हैडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए 325 ईसा पूर्व में है सो यह सिकंदर महान जो था यह भारत से वापस लौट गया। और यहाँ पे जो 323 ईसा पूर्व है इसमें है सो 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गई बेबीलोन में, 33 वर्ष की अवस्था में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं और ये बताना चाहता हूँ कि मैं करेंट अफेयर्स का तो फ्रेंड्स वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ही दोस्त है लक्ष्मण कुमार जो कि इसमें मेरे चैनल पे एक दो वीडियो अपलोड किया था, तो उन्होंने खुद से एक चैनल क्रिएट किया है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो वो है सो करंट अफेयर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ फ्रेंड्स, अभी नया नया है तो इस वजह से अभी मतलब आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन फ्रेंड्स।